दोस्तों ये है स्ट्रीट लाइट सेंसर, इसे फोटो सेल भी कहते हैं। इस सेंसर का यूज करके आप लाइट्स को ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली लाइट्स को ऑन एंड ऑफ करने में आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लाइट का ऑटोमेशन दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, हम अनइंटेंशनली लाइट्स को ऑन ही रख देते हैं, ऑफ करना भूल जाते हैं। इन दैट सिनेरियो ये सेंसर्स हमारे बहुत काम आते हैं, जिससे टाइम भी सेव होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है। लास्ट वीडियो में मैंने 4 और 5 एम्पियर वाले LDR सेंसर स्विचेस के बारे में आपको बताया था, वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आज जो प्रोडक्ट मेरे पास है वो है 6 एम्पियर वाला। ऑब्वियसली इस पर आप कंपैरेटिवली लास्ट वीडियो में दिखाए जाने वाले सेंसर से थोड़े ज्यादा एम्पियर के लोड लगा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सेंसर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसकी वायरिंग वर्किंग आपको दिखाऊंगा, इसका प्राइस, कहां से आपको इसे खरीदना है। ब्लैक टी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने मुझे दोनों सेंसर प्रोवाइड किए हैं। अगर आप एक रीसेलर हो और आपको बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट लिंक दी है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हो और आप इसे रीसेल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हो ऑटोमेशन विद आशीष। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स का जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है दोस्तों, और बॉक्स के अंदर का जो मटेरियल है वो भी अच्छे क्वालिटी का है। तो यहाँ पर है ये सेंसर, ब्लैक पॉलीथीन में आता है ये है सेंसर, इसको थोड़ा सा रखते हैं साइड में। आपको यहाँ पर मिलेगा एक यूज़र मैनुअल, छोटा सा ही यूज़र मैनुअल है, लेकिन इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड है जो आपके लिए सफिशियंट है। तो इसे भी रखते हैं साइड में। और इसके अंदर है 2 स्क्रूज, इस सेंसर को आप जहाँ पर माउंट करना चाहते हो वहाँ पर माउंट करने के लिए। तो गाइस, ये आपको सब मिलता है इस बॉक्स के अंदर। मैनुअल को मैं साइड में रखता हूँ क्योंकि मैनुअल में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ। तो ये है दोस्तों वो सेंसर, आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के साथ। तो इसका जो बॉडी है वो ABS प्लास्टिक मटेरियल का है, टफ बॉडी है। अगर मैंने टफ ये वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब इसका जो रेटिंग है वो है IP44, यानी अगर आप इसे गिराते हो तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल ज्यादा ऊंचाई से मत गिराना। और अगर आप इसे पानी में डालते हो तो भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह यूज कर सकते हो। बिल स्ट्रीट लाइट सेंसर बोला है तो स्ट्रीट लाइट तो बाहर ही रहती है, तो आप समझ गए। इसमें यहाँ पर पोल या फिर वॉल पर अटैच करने के लिए यहाँ पर एक अटैचमेंट दिया है एल शेप वाला। ये जो व्हाइट एरिया है वो मेन सेंसिंग यूनिट है, और इस ब्लू वाले पार्ट पर थोड़े से स्पेसिफिकेशन प्रिंटेड है। बाकी यहाँ पर है टोटल 3 वायर्स जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। इस सेंसर को दोस्तों आप रोड लाइट्स यानी स्ट्रीट लाइट्स के लिए यूज कर सकते हो, गार्डन लाइट्स, घर की लाइट्स के लिए यूज कर सकते हो, बेसमेंट्स की लाइट्स के लिए यूज कर सकते हो, गेट लाइट्स के लिए यूज कर सकते हो। जहां पर भी आपको लगता है कि रात के टाइम आपको लाइट्स ऑन चाहिए ऑटोमेटिकली और सुबह ऑफ चाहिए, इवन पार्किंग एरियाज में भी यूज कर सकते हो। बहुत सारी पार्किंग एरिया जो होती है वो बिल्डिंग के नीचे होती है या फिर किसी कॉम्प्लेक्स के नीचे होती है, तो वहां पर भी लाइट्स को मैन्युअली ऑन ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सेंसर लगा दिया हो गया ऑटोमेशन। तो ये थे दोस्तों इसके एप्लीकेशंस। तो देख लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है दोस्तों। ये सेंसर चलता है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट AC पर। इसका करंट कैपेसिटी है 6 एम्पियर, यानी 6 एम्पियर तक का कोई भी लोड आप इस पर लगा सकते हो। वेल, मैं रेकमेंड करूंगा कि लाइट का ही लोड इस पर लगाओ। -20 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस तक इसका वर्किंग टेम्परेचर है। और ये सेंसर दोस्तों जैसे ही शाम या फिर रात होगी वैसे ही इसके आउटपुट में कनेक्टेड लाइट को ऑन कर देगा। उसके लिए इसके अंदर एम्बियंट लाइट जो है वो 5-15 लक्स एडजस्टेड है बाय डिफॉल्ट, तो आपको इसमें एडजस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही सनसेट होगा बराबर ये लाइट को ऑन कर देगा, और जैसे ही सनराइज होगा वैसे ही लाइट ऑफ हो जाएंगी। आपने बहुत बार देखा होगा, आपके एरिया में है कि नहीं पता नहीं, मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन आप जब सुबह गाड़ी पर बाहर निकलते हो तो आपने बहुत बार देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट्स ऑन ही रहते हैं, उस केस में ये सेंसर बहुत काम का है। वेल, ये 6 एम्पियर वाला है, इसमें 16 एम्पियर वाला भी सेंसर आता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसकी लिंक भी परचेस की मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, एक बार चेक कर लेना दोस्तों। इसे जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको एक ही ध्यान रखना है कि जो लाइट है उसके नीचे इसे इंस्टॉल नहीं करना है, लाइट के ऊपर आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लाइट के नीचे इंस्टॉल करोगे तो जो लाइट है वो इसके ऊपर गिरेगा और उसकी वजह से भी इसका जो सेंसिंग है वो अफेक्ट हो सकता है। ये छोटा सा एनिमेशन है 16 एम्पियर वाले फोटो सेल का, वो एक बार देख लो। देख लिया। तो चलो अब दोस्तों बात करते हैं इसके वायर्स के बारे में। इसमें टोटल 3 वायर्स हैं, ब्राउन, ब्लू और रेड, जिसमें से जो ब्राउन वायर है वो है लाइन यानी इनपुट फेस 230 वोल्ट्स,
जो ब्लू है वो है कॉमन न्यूट्रल, जो लोड और इनपुट के लिए कॉमन रहेगा, और जो रेड वायर है वो है आउटपुट के लिए, यानी इसे आपको कनेक्ट करना है आउटपुट लाइट को। तो चलो अभी वायरिंग करके इसका वर्किंग देख लेते हैं गाइस। तो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से सेंसर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वेल, कोई पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया होगा या फिर अगर आपको कोई पूछना होगा पॉइंट तो प्लीज कमेंट करके बता देना। वेल, कंफ्यूजन में मैं यही बोलूंगा कि लाइट के ऑटोमेशन के लिए, स्ट्रीट लाइट के ऑटोमेशन के लिए या फिर मैंने जितने भी एप्लीकेशन बताए उन सब के ऑटोमेशन के लिए आप ये सेंसर बिल्कुल यूज कर सकते हो। ये बहुत ही रफ एंड टफ सेंसर है दोस्तों, और ब्लैक टी इलेक्ट्रोलाइट कंपनी आपको ये सप्लाई कर सकती है। मैंने इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्राइस आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो फिर भी एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके उस परचेस लिंक पर क्लिक करो ताकि आपको अपडेटेड मिल जाए। तो फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इस सेंसर को किस चीज के लिए यूज करना चाहोगे।